गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी 62 नंबर की वर्कशीट आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो माई डियर चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़ टू रिविजिट द मैजिक गार्डन। आज बहुत सुंदर दिन है, तो चलिए क्यों ना हम लोग एक बार दोबारा से मैजिक गार्डन को घूम के आते हैं। तो क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनको ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर वन लिखा है, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम सबको छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए। वन, सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। अब क्या हो रहा है, कह रहे एक सुबह जब धूप वाली सुबह थी, सूरज निकला हुआ था, तो फूल जो हैं वो चिड़ियों से बातें कर रहे थे। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, द वर्ड लिटिल इज टेलिंग अस मोर अबाउट चिल्ड्रन, है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए, बच्चे तो बच्चे हो गए, अब यहाँ लिटिल का मतलब क्या है, जोर दिया गया, छोटी बच्चे, है ना। सिमिलरली सेम ऐसे ही द वर्ड सन इज डिस्क्राइबिंग मॉर्निंग। सनी जो है वो आपकी सुबह को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि भाई सुबह की बात हो रही है। सच वर्ड आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड, ऐसे वर्ड्स को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, जो किसी चीज़ का फैलाव करें, जो किसी चीज़ को डिटेल में बताएं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, नाउ लेट अस अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस में से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और उसके बाद उन्हें लिखना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस समथिंग मोर अबाउट द नाउन लाइक, यानी कि जो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो आपको जो नाउन होता है, नाउन याद है ना, किसी चीज़ का, किसी जगह का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है, किसी इंसान का, तो उस चीज़ को जो और डिटेल में बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। जैसे उसकी क्वालिटी को और बताए, या उसके कलर को, साइज़ को, शेप को, इन सब चीज़ों को बताता है, तो वो कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब यहाँ लिखा, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया, बाकी क्या आप खुद करेंगे। जैसे द एप्पल इज़ रेड, अब एप्पल है, हम कहते हैं हाँ द एप्पल, ठीक है, अच्छा खासा सेब है, लेकिन हमने कहा द एप्पल इज़ रेड, सेब लाल है, है ना। अब यहाँ देखिए, आई हैव अ बैग, अगर मैं कहूँ आई हैव अ बैग तो ठीक है, मेरे पास एक बैग है, लेकिन यहाँ किस पे वो फोर्स दिया गया, ब्लू बैग, मेरा बैग नीला है। ठीक है, अब क्या लिखा, मंजीत हैज़ अ न्यू पेन, अब मैं कहूँ मंजीत हैज़ अ पेन, मंजीत के पास एक पेन है, लेकिन नहीं, यहाँ क्या लिखा, न्यू पेन है, नया पेन है, है ना। अब क्या लिखा, द चीता रन्स फास्ट, अब यहाँ क्या लिखा है, अब देखिए हम डायरेक्ट कह सकते थे भाई चीता रन कर रहा है, द चीता रन्स, चीता दौड़ रहा है, लेकिन नहीं, हमने क्या कहा, द चीता रन फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ता है, तो इसमें फास्ट हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ ट्री, ये एक पेड़ है, लेकिन हमने क्या, नहीं, इट इज़ अ टॉल ट्री, ये एक लंबा पेड़ है। आई बात समझ में, तो हमने क्या है, हर चीज़ के साथ उसकी कोई ना कोई एक खूबी को गिनाया है, और जो खूबी गिनाई जाती है वही आपके एक तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, चूज द एप्रोप्रिएट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर ईच पिक्चर फ्रॉम द हिंट बॉक्स। अब आपको हिंट बॉक्स से एक अच्छी सी पिक्चर चुननी है, जो उसके लिए सही है, उसी से यहाँ पे वर्ड्स बॉक्स से वर्ड भी ले लेना है। राइट इन द स्पेस गिवन, और जो स्पेस आपको दिया गया है वहाँ आपको लिखना है, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखा दिया गया, जैसे ये क्या है, हंस रहा हैप्पी है। अब ये क्या है, जल्दी से बताइए, ये है कोल्ड, यानी कि ठंडा, तो COLD कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, जल्दी से बताइए, ये है आपका बिग, बिग माने बड़ा, BIG बिग, यहाँ से स्पेलिंग देखेंगे आप। इसके बाद ये क्या है, जल्दी से बताइए, ये है आपका राउंड, राउंड माने क्या होता है, गोल है, तो आप क्या लिखेंगे, ये रही स्पेलिंग, आप लिखेंगे RUND राउंड। ठीक है, अगला क्या दिया गया, जल्दी से बताइए, यह है सूरज, सूरज क्या होता है, सनी, SUNNY सनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे
लास्ट वाला है टॉल, लंबा, तो आप लिखेंगे टी ए डबल एल, टॉल, लंबा। कर लेंगे, है ना आसान। जो स्पेलिंग आपको मेरी राइटिंग में समझ में नहीं आए वो आप यहाँ से हिंट बॉक्स से देख लीजिएगा। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।